गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मिसेज रितु दिनेश आपका एक्टिव एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हम साइंस पढ़ रहे हैं आपको पता है, और साइंस की जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो है कि आप किसी भी एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, आप एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक हो गया है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग अब हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालोगे, प्रोटॉन को कैसे निकालोगे और न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चलिए, आप देखिए, कोई भी अगर आपके एलिमेंट है तो आप उसे कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल है किसी भी एलिमेंट का। यहाँ जो लिखा जाता है जेड से, ये आपकी होती है परमाणु संख्या। क्या होगी आपकी? परमाणु संख्या। और यहाँ लिखा जाता है, ये है आपका परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए, परमाणु संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर, एंड द परमाणु द्रव्यमान इज एटॉमिक मास। तो देखिए, परमाणु संख्या को डिनोट किया जाता है जेड से, और परमाणु द्रव्यमान को डिनोट किया जाता है ए से। यानी आपकी परमाणु संख्या आती है, द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो ये तो है आपका किसी भी एलिमेंट को आप कैसे डिनोट करते हैं वो। अब देखिए, किसी भी एटम में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन कितना होगा, तो देखिए परमाणु संख्या जो होगी, परमाणु संख्या जो होगी वो हमेशा बराबर होगी किसके? एटॉमिक नंबर के। यानी हम कहेंगे किसके बराबर होगी? वो प्रोटॉन की संख्या। कि जिसके किसी की परमाणु संख्या जितनी है उसमें उतनी क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अगर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि नाइट्रोजन की जो है परमाणु संख्या वो कितनी है? 7। तो इसमें अगर इसकी परमाणु संख्या 7 है, तो अगर आपसे पूछा कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 7। यानी इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 7। तो जिसमें किसी परमाणु की जिसकी संख्या जितनी होगी उतने ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम कोई भी एटम लिखते हैं वो एटॉमिक न्यूट्रल होता है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन है तो ना तो वो पॉजिटिव और ना ही वो कैसा है? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन 7 और 14 है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो भाई ये कैसा है? न्यूट्रल। ना पॉजिटिव और ना ही कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्यों? किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम कहें कि किसी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इन शॉर्ट, अगर आप कहो कि जितना क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। या जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और आप कोई भी एटम देख लीजिए, वो हमेशा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि किसी भी एटम पर कौन सा चार्ज होता है, तो भाई एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए, परमाणु संख्या के पर किसकी संख्या हो गई? प्रोटॉन की संख्या। सेकेंड, प्रोटॉन संख्या के संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन की। यानी जिसमें जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो देख लिया, आपको कहा था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए, दो की संख्या हमने निकाल दी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या,
तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अगर आप परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दे तो आपके पास किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु के लिए न्यूट्रॉन की संख्या के लिए आप क्या करोगे, परमाणु द्रव्यमान में से आप क्या घटा दोगे, परमाणु संख्या। यहाँ कंफ्यूजन के लिए काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ परमाणु संख्या की बजाय क्या दे देते हैं, प्रोटॉन की संख्या दे देते हैं। तो आपको भी पता है कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, परमाणु की संख्या। तो अगर यहाँ पर आप प्रोटॉन की संख्या लिख दोगे तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो कई बार आपको न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला दे देते हैं, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा आपका, परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान में क्या घटाना है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, तो अब ये सभी को पता है कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की। तो भाई थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, वो आपको परमाणु जगह क्या दे देता है, प्रोटॉन की संख्या। तो ध्यान रखना कि परमाणु संख्या के बराबर किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान में से क्या घटाना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, आपको बोर्ड में कुछ ऐसे ही गिवन होता है, नाइट्रोजन 714, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर आपको देता है। और अब अगर इसमें पूछा जाए कि अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो देखिए प्रोटॉन पी से लिखते हैं हम, पी से क्या लिखते हैं, प्रोटॉन, चलो पूरा लिख देते हैं। तो आप बताइए कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, भाई आपको ये पता है कि नीचे वाला है ये परमाणु और ऊपर जो गिवन है ये आपका परमाणु द्रव्यमान है और ये आपके जो एन है ये आपका नाइट्रोजन का सिंबल है। तो चलिए इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो बताइए आप प्रोटॉन कैसे निकालोगे, प्रोटॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है, सोच लिया होगा आपने, प्रोटॉन की संख्या जो बराबर होती है वो किसकी संख्या के बराबर, परमाणु संख्या। तो बताइए हमारे पास परमाणु संख्या कितनी है, 7, यानी प्रोटॉन हमारे पास कितने होंगे, 7। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या। तो हमारे पास प्रोटॉन कितने आए, 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 7। अरे भाई जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही कौन सा चार्ज, नेगेटिव। उसके बाद है न्यूट्रॉन, तो बताइए न्यूट्रॉन को आप कैसे निकालोगे, परमाणु द्रव्यमान में से आप क्या दोगे, परमाणु संख्या। तो अगर 14 इसका द्रव्यमान है, 7 इसकी परमाणु संख्या है, तो कितना, 7। तो इसमें प्रोटॉन कितने आए, 7, इलेक्ट्रॉन कितने आए आपके, 7। मेन चीज जो आपको यहां याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास में, वो न्यूट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, ये आपको फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे आपसे यहाँ फॉर्मूले पूछते हैं कि क्या चीज किसके बराबर है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।